अरे यार, ये कहाँ लेके आ गया हमको? ये तो बहुत ही खतरनाक एरिया लग रहा है। कैसा मुच्छर आदमी सब है, बंदूक लेके खड़ा है बड़ा बड़ा। अब यहाँ से कैसे बचे? हमारा कट्टा भी ले लिया ये लोग, कैसे इसको डराएंगे अपना कट्टा से? अरे ये कौन बैठा है? यही तो इसका बॉस नहीं है रघु? ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, ये तो लगता है हमको मार देगा। रघु भाई, ये वही लड़का है जो आपका सुपारी लिया था, आपको मारने के लिए आया था यहाँ पर। लेकिन इस लड़का को ये नहीं पता था कि ये जहाँ पे रह रहा है वो आप ही का इलाका है। आपके इलाका में आके आपको ही मारना चाहता है। अब आप ही इसका फैसला कीजिए, इसके साथ क्या करना चाहिए। क्या रे, मेरा एरिया में आके हमको ठोकने का सुपारी लेता है, हमको ठोकने का सुपारी लेता है। मेरा नाम पता है ना, रघु भाई, रघु भाई। अब तुमको बताते रघु भाई क्या कर सकता है। अरे रघु भाई, हम आपको नहीं जानते है, हम तो यहाँ ऐसे आए थे। वो कट्टा मेरा सेफ्टी के लिए था, जिसको देखकर इस लोग को शक हो गया कि हम आपको मारने आए थे। हम आपको नहीं मारने आए थे, हम तो आपको जानते भी नहीं है। और आप अपने आप को देखिए और हमको देखिए, क्या हम आपको मार सकते हैं? हम तो एक छोटा बच्चा है, ये लोग उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर, हमको मत मारिए। अरे नहीं नहीं रघु भाई, इसका बात पे भरोसा नहीं कीजिए। ये लड़का बहुत ही टेटिया है, आपके सामने बड़ा भोला बन रहा है। हम लोग से तो टेढ़ा बात कर रहा था बहुत। अगर ये बच्चा है तो इसके पास कट्टा कहाँ से आया और इसको चोट कैसे लगा है, पूछिए इससे। ये जरूर यहाँ पे आपको मारने ही आया था, क्रिमिनल लगता है हमको ये। ऐसे भी आजकल मार्केट में बच्चा लोग से क्राइम कराया जाता है, आपको तो पता ही रघु भाई। अरे नहीं नहीं रघु भाई, हम नहीं मारने आए थे आपको, ये झूठ झूठ बोल रहा है। हम तो आज तक मच्छर भी नहीं मारे हैं, तो हम आपको कैसे मारेंगे? अरे वो तो हम पता कर ही लेंगे कि तुम हमको मारने आए थे कि नहीं, लेकिन उससे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम है गोरा कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस टॉन, जिसको कद्दूपुर की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन ढूंढ नहीं पा रही है। सुने, बोल रहा है हम बच्चा है, मच्छर भी नहीं मारे हैं, लेकिन बिना मच्छर मारे ये डॉन बन गया और कद्दूपुर का पुलिस इसको ढूंढ नहीं पा रहा है। क्या रे, तुम रघु भाई को बेवकूफ समझ रहा है क्या? एक तरफ बोल रहा हम बच्चा है, दूसरी तरफ बोल रहा हम डॉन है। डॉन क्या होता है पता है तुमको? कि फिल्म देख के अपने आप को डॉन समझ लिए हो और साथ में कट्टा रख लिए हो। अरे रघु भाई, हम आपको सच सच बता रहे हैं सब कुछ, हम आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम आपको अपना असली नाम बता दिए, जो मेरा नाम आजकल कद्दूपुर में बहुत फेमस है। हम असल में डॉन बनना चाहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आपको मारना चाहते हैं। हमको कद्दूपुर में फंसा दिया गया है किसी का मर्डर का इल्जाम में, इसीलिए हमको वहाँ से भाग के आना पड़ा था। पुलिस हमको ढूंढ रही है, हम आपको मारने नहीं आए थे, लेकिन प्लीज ये बात किसी को नहीं बताइएगा, नहीं तो कद्दूपुर का मंत्री पुलिस सब मेरे पीछे पड़ा, हमको किडनैप कर लेगा, हमको उठा लेगा। अरे सर, ये एक नंबर का 420 लड़का है, उल्टा सीधा बात बोल रहा है, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन, मजाक चल रहा है यहाँ पे लगता है। अगर ये वहाँ से भाग के आया था तो ये अपना असली नाम क्यों बताया, झूठ भी तो बोल सकता था। ये झूठा है लड़का, कहानी बना रहा है जोशो। अरे रघु भाई, रघु भाई, मार्केट में अपना आदमी का गेम कर दिया लेला। अरे कौन मारा रे हमारा आदमी को, नाम बताओ उसका। किसका इतना हिम्मत हो गया कि रघु भाई का एरिया में आकर रघु भाई का आदमी को मार ले? अरे तुमको हम लोग उठाए इसीलिए तो तुम्हारा आदमी हमारा आदमी को नहीं मार दिया, सच सच बोलो। अरे रघु भाई, रघु भाई, ये नहीं मारा है, मजनू भाई का आदमी सब था, वही लोग आके अपना आदमी का गेम कर दिया है और मार्केट में बहुत तोड़फाड़ कर रहा है, हम लोग को जल्दी चलना होगा वहाँ। अरे हाँ हाँ, गाड़ी निकालो, आज उस लोग को छोड़ेंगे नहीं, आज उस लोग का फैसला होगा, आज उस लोग को अपने हाथ से मारेंगे। और सुनो रे, इस लड़का को डाल दो अंदर, और जब तक ना आए ध्यान देना, इसका फैसला बाद में होगा। ठीक है भाई, ठीक है, हम ध्यान देंगे। चलो पूरी सब्जी खा लिए ना तुम लोग, अब ये बताओ काहे तुम लोग लूटपाट कर रहे हो कद्दूपुर में, और तुम्हारा भाई कहाँ है और तुम्हारा बेटा कहाँ है? सच सच बता दो तो तुम लोग को सजा हम कम देंगे, नहीं तो जानते नहीं हो तुम लोग हमको, हम बहुत ईमानदार किस्म का जज है, तुम लोग को 3 बार फांसी का सजा देंगे। अरे जज साहब, हम लोग तो पहला ही फांसी में मर जाएंगे ना, तो 2 बार एक्स्ट्रा फांसी देकर क्या फायदा, उससे क्या हो जाएगा? बल्कि आपका जो जल्लाद है वो फालतू में मेहनत करेगा ना, मरा हुआ आदमी को कौन मारता है? अरे हम फांसी का रस्सी कमजोर रखेंगे, जिससे पहली बार में तुमको बहुत ज्यादा दर्द होगा, लगेगा कि तुम मरने वाले हो, लेकिन तुम मरोगे नहीं, रस्सी उसी समय टूट जाएगा, फिर दोबारा तुमको फांसी दिया जाएगा, तब तुमको पता चलेगा दर्द क्या होता है और सजा क्या होता है। इसीलिए सही सही बता दो, कहाँ है तुम्हारा भाई, कहाँ पैसा लेके भागा है, बचेगा नहीं वो? इतना बड़ा आदमी का मर्डर किया है, लूटपाट किया है शहर में तुम लोग, और तुम लोग क्या सोच रहा है, तुम लोग को छोड़ देंगे हम? ईमानदार जज है, जल्दी बताओ, तुम लोग को बख्श भी दिए, क्या बोले थे कोर्ट में, तुम लोग के खिलाफ साजिश करेंगे घर में, जहर मिला के भी खिला सकते थे पूरी सब्जी, लेकिन अभी साजिश किए नहीं हम, साजिश करने पे मजबूर मत करो हमको, तुम लोग साजिश करते हो ना, हम करेंगे साजिश तो तुम लोग को भारी पड़ेगा, बताओ जल्दी। मुंह देख रहा है, अंदर कमरा में जो शो देख के आए ना वो अलग था,
और बाहर का अलग होगा, समझे? अरे जज साहब, हम लोग सही कह रहे हैं। वो लड़का को हम कितना बार समझाए, नहीं माना वो, तो हम क्या करें? घर में पैसा रख के गया था, इसीलिए हम गिन रहे थे किसका कितना पैसा लूट के आया, कितना हमको देना है। उसी समय हौलदार आके हमको देख लिया, तो गलत फहमी हो गया कि हम लोग उसके साथ मिले हुए हैं। हम लोग उसके साथ नहीं मिले हुए हैं, उसके चक्कर में तो हम लोग फंस गए हैं। वो मेरा बेटा गोरा कद्दू एक नंबर का नालायक है, हम लोग को फंसा के भाग गया है। सारा क्राइम वो कर रहा है, फंस हम लोग गए हैं। और आप लोग है कि समझ ही नहीं रहे, कैसे साबित करें आखिर कि हम लोग उसके साथ नहीं है? अरे तो हम कैसे विश्वास कर ले कि तुम दोनों उसके साथ नहीं है? बेटा फरार हो गया लेकिन पैसा छोड़ के गया। जो इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहा है वो पैसा नहीं ले जा सकता था, पैसा कैसे छोड़ दिया घर पे मार्केट से लूटा हुआ? वो तुमको देके चला गया, तुम भी बेटा फरार होने वाला था। वो तो सही टाइम पे हवलदार तुमको पैसा के साथ पकड़ लिया, तब ना तुमको बांस कर दिया। और ये तुम्हारा छोटा लड़का, इसका कपार कैसे फूटा? ये भी मवाली है, ये भी गया होगा कहीं लूटपाट करने, मार खा के आया होगा, तभी ना केस दर्ज नहीं हुआ है। लूटपाट करता तो केस दर्ज होता, सामने वाला मार के भगाया है उसको, देखने में भी चोर लग रहा है एक नंबर का। क्या रे चोर कहीं का, किसको लूटने गया था, कहां से मार खा के आया रे? अरे जज साहब, आप सोच समझ कर बात किया कीजिए, जिसके तिसके ऊपर आरोप मत लगाइए। आप हमको देखे क्या, कुछ भी करते हुए जो आरोप लगा रहे हैं, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर रहे हैं। आपका माँ बाप आपको सिखाया नहीं, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक अपने आँख से ना देख लो तब किस बात का आप जज हैं? जज है तो इसका मतलब कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी कीजिएगा, बड़ा बेटा को छोटा बेटा बोलिएगा। आपको पावर मिल गया तो इसका क्या गलत इस्तेमाल कीजिएगा, अपने आप को ईमानदार बताइएगा। बाकी सब बेईमान है क्या, चोर है क्या आपकी तरह? तब तो उस हिसाब से हमारा छोटा भाई गोरख का तो भी ठीक है अपनी जगह, उसके हाथ में भी कट्टा आ गया है तो वो भी पावर दिखा रहा है, कहा कि वो भी पावरफुल हो गया है। इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं ना, जिसके हाथ में लाठी है वही भैंस चलाएगा और बाकी लोग दूध पिएगा। ऊपर से हमको बोलते हैं तुम्हारा चेहरा चोर जैसा है, आपका चेहरा भिखारी जैसा है। हम कुछ बोले चुपचाप आपका मान कर रहे हैं ना, आपको जज सब समझ रहे हैं ना, भिखारी समझ कर अठन्नी दिया आपको हाथ में, जो आजकल चलता भी नहीं है। और जो आप हमको अंदर में फिल्म दिखा रहे थे ना, वो सब फिल्म नहीं देखते हैं, वो आप ही देखिए, कहे कि हमको ये सब वाहिया चीज लगता है, यही सब देखने के लिए पैदा नहीं हुआ इस धरती पर, समझे आप? और रही बात मेरी चोट की, तो जरूरी नहीं है कि कोई आदमी लूटपाट करने जाएगा तो ही चोट लगेगा, कोई मारता है तो भी चोट लगता है। मेरा भाई कहीं पर कोई गलती करके आया, उसके बदले हमको मार दिया लोग, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? गलती करे वो भरे हम, यही दिक्कत है कद्दूपुर के आम आदमी के साथ। यहाँ का कोर्ट और पुलिस जब सच सामने नहीं ला पाता है तो आम आदमी को फंसाता है, और फिर एक दिन वो भी क्रिमिनल बन जाता है, और फिर उसका सच बाहर लाने के लिए दूसरा किसी को फंसाता है। ऐसे ही धंधा चलते रहता है और मलाई खाते रहता है। अरे पागल, शांति से बैठो, ये कोई तरीका है जज साहब से बात करने का? हाँ, ये कोई तरीका है जज साहब से बात करने का? जज साहब माफ कर दीजिए, इसके बदले हम माफी मांग रहे हैं, कोई बड़ा सजा नहीं सुनाएगा हम लोग को, ये तो नादान है, इसको नहीं पता जज से कैसे बात किया जाता है, इसके चक्कर में हमको थोड़ी ना जेल जाना है। अरे चुप रहो कायर आदमी, तुम्हारा बच्चा बहुत ही हिम्मत वाला है, जो बिना डरे आंख में आंख डाल के बात किया हमसे, यही तो सुनना चाहते थे। कोर्ट में वकील बात नहीं करने देता है, खाली बोलता है हाँ या ना बोलो, पॉइंट पे बात करता है और डाइवर्ट करता है केस को, इसीलिए तो तुम लोग को घर पे लाए थे। लेकिन तुम कायर कहीं का, जैसे कोर्ट में एक्टिंग करा था वैसे यहाँ पे डर के एक्टिंग करा। जब तुम कुछ नहीं किया तो हिम्मत से बोलो, खखर के बोलो, खखर के, समझा? जैसे तुम्हारा लड़का बोल रहा है, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जो तुम्हारे अंदर नहीं तुम्हारा बेटा के अंदर है। बाहुबली नहीं देखे थे? जो झूठ बोलता है उसका आँख फड़कता है, और जो सच बोलता है निडर होके बोलता है, आँख में देख के, तुम्हारा बेटा आँख में देख के बोला, साबित होता है कि ये सच्चा कार्टून है। अब तुम भी अपने आप को साबित करो, इसको तो सजा नहीं देंगे तुमको, लेकिन हम देंगे, कि तुम ही पैसा गिन रहे थे। अरे क्या बोल रहे सब, हमारा बात इतना अच्छा लगा कि हमारा सजा माफ, वाह पहली बार ऐसा हुआ है, सच बोलने के बदले सजा नहीं मिला, नहीं तो साला सच बोलो और हमेशा सजा पाओ। अब हम तो बच गए, अब पापा अपना देख ले, वो भी अगर सच बोल दिया तो बच जाएंगे, नहीं तो जेल जाएंगे, तो दो रोटी रोज पहुंचाना पड़ेगा, ऐसे जेल का भी खा सकते हैं, इनको तो सब अच्छा लगता है ना, काय बेकार में मेहनत करके रोज रोटी लेकर आएंगे, काय कि नहीं तो घूस भी देना पड़ेगा ना अंदर में, फालतू का पैसा खर्चा होगा। और एक बार पापा भी अंदर चले गए, घोड़ा कद्दू तो पहले ही भाग चुका है, पूरा घर पे हमारा राज होगा, जैसे चाहे पैसे पैसा खर्चा कर सकते हैं, न कोई आगे न पीछे, न कोई ऊपर न नीचे, कोई नहीं टोकेगा हमको, हमारा राज होगा हमारा। वो पगलेट घोड़ा कद्दू कद्दूपुर पे राज करने चला है, वो तो राज कर लिया, लेकिन अब हम जरूर राज करेंगे पूरा घर पर। धन्यवाद जज साहब, आप मेरा सच्चाई पहचान गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, और हमको सजा नहीं देना इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आपका आंखना जोड़ी जैसा है, जैसे वो लोग हीरा देख कर पहचान जाता है, आप भी पहचान गए कि हम मुजरिम नहीं है और ना मुजरिम हो सकते हम, काहे कि हम एक सच्चा कार्टून है,
चलिए पापा अब आपकी बारी, अगर सजा से बचना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह निडरता से सच बोलिए। जस्ट आपको सच सुनना अच्छा लगता है, पहली बार किसी को देखे हैं जिसको सच बोलने के साथ सुनना भी अच्छा लगता है, वरना लोग सिर्फ बोलता है सुन नहीं पाता है। अरे हाँ, तुम्हारा लड़का सही बोल रहा है, सही सही बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है। और ये मत कहना कि तुम नहीं जानते हो तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्योंकि हमको इतना पता है तुम अपना बेटा के साथ मिले हुए हो। अरे जज साहब, जब सब आपको पता ही है तो आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं? कुछ मेरे लिए भी छोड़िए तब ना हम बोलेंगे। आप तो पहले मेरे ऊपर आरोप लगा रहे कि तुम अपना बेटा के साथ मिले हुए हो, तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा उल्टा जवाब देता है जज को, तुमको बोले अपने आप को निर्दोष साबित करो तो तुम जवान लड़ा रहा है, उल्टा जवाब दोगे ना तो उल्टा फांसी देंगे, समझे? अरे ठीक है जज साहब, हमको उल्टा फांसी दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम बच गए तो हमको छोड़ दीजिएगा ना। अरे तुम तो बहुत चलाक है रे, तुम क्या सोच रहा है तुम्हारा टांग में फांसी लगाएंगे? तुमको पहले हम उल्टा टांगेंगे, गला में फंदा डालेंगे और ट्रक में बांध देंगे और ट्रक को बोलेंगे खींचो, समझ रहे हो ना? उसके बाद क्या होगा, फांसी में उतना दर्द नहीं होगा जितना उसमें दर्द होगा, गधा कहीं का, होशियार समझता अपने आपको? हमारा सजा आसान नहीं होता है और सबके समझ में भी नहीं आता है, मूर्ख सब कई बार हाँ हाँ कर देता है जैसे तुम किया, और बाद में पता चलता है वो सजा था क्या। तो बता उल्टा फांसी चाहिए? अरे नहीं नहीं जज साहब, हमको माफ कर दीजिए, हम कुछ नहीं किए। अरे जब तुम गलती नहीं की हो तो माफी क्यों मांग रहे हो? यही साबित हो रहा है कि तुम गलत की हो। तुम्हारा बेटा देखो माफी नहीं मांगा था, तुम लेकिन माफी मांग रहे हो। गलत करने वाला माफी मांगे ना, जो गलत नहीं किया वो माफी काहे मांग रहा है? तुम जरूर कुछ गलत की हो, तुम कोर्ट में आना, तुम्हारा फैसला हम कोर्ट में करेंगे सबके सामने, तुम चोर लग रहा हमको। तुम बेटा आजादी से घूमो, कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई परेशान करे तो हमारे पास आना, जज साहब तुम्हारे साथ है। जज साहब धन्यवाद हमको बड़ी करने के लिए। और पापा अब आप अपना देख लीजिए, कोशिश कीजिएगा कि कोर्ट में सच बोले, नहीं बोलेगा तो सजा होगा, तब भी चिंता मत कीजिएगा, आपके पीछे हम घर को अच्छा से संभालेंगे। जब आप आइएगा ना तो देखिएगा आपका घर आपको स्वर्ग लगेगा, और जेल में भी चिंता मत कीजिएगा, रोज आपके लिए पनीर वाला रोटी लेकर आएंगे, बढ़िया से खाइएगा, ज्यादा इसलिए नहीं ला रहे हैं गाय की मोटा हो जाइएगा ना, वहाँ कोई काम नहीं कीजिएगा, फालतू बैठे रहिएगा इसीलिए, और ज्यादा खाइएगा तो बार बार बाथरूम जाइएगा, और जेल का बाथरूम कितना गंदा होता पता है ना आपको? तो चलिए दोस्तों आज हम हो गए बड़ी, अब पापा अपना देख लेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल काला कद्दू कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए जस आपको ये गोरा कद्दू कहाँ है, और जहाँ भी है उसको भी अक्ल दीजिए कमेंट में कि सब धंधा छोड़ दे, घर आ जाए और हमारा नौकर बन के रहे, कहे कि अब हम बड़ा है ना, हम उसको समझाएंगे कैसे रहना नहीं।